एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माई चैनल। ये मेरे हाथ में जो है एग्जाम्पल के लिए मलासी के जो रास्ते होते हैं एंड में, जो रेक्टम और एनस बोलते हैं, ठीक है, मलासी के जो एंड में जहाँ से स्टूल पास होता है, वहाँ पे किसी भी कारण से दरार पड़ जाना जिसे फिशर कहते हैं, या फिर इसके मद से बाहर आ जाना जिसे हम रॉड एंड पाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के कारण होते हैं, मद से बाहर निकल जाना या फिर ब्लीडिंग हो रहे हैं, खून निकलता है और या फिर कट गया है, दरार पड़ गया है। तो फिशर और पाइल्स की जो डिटेल्स में मेरे चैनल पर जाएंगे तो वीडियो मिल जाएगा। ये व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रही हूँ, व्यूवर्स चाहते हैं कि मैं एक और वीडियोस में अच्छे तरीके से बताऊँ और इसके मेडिकेशन जो है सॉल्यूशन क्या है होम्योपैथिक में, और बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है, इसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स में हम लोग जानेंगे कि होम्योपैथिक सॉल्यूशन क्या है, इसका बेस्ट, जो कि आपको बहुत परेशानी हो रहे हैं, आप तुरंत इससे आराम चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि फिशर पाइल्स के बारे में होम्योपैथिक बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले जान लेते हैं, यहाँ पे जो मलासी के रास्ते में होते हैं वहाँ वेन होते हैं, यानी कि वेन, कैपिलरी, आर्टरी सब जगह होते हैं। यहाँ पे मोटा वेन होता है जो कि कंस्टिपेशन, कब्जियत की वजह से वो वेन पे प्रेशर पड़ता है। कभी कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रोनिक कब्जियत है, यानी कि बहुत दिनों से उसको कब्ज हो रखे हैं, तो जब वो स्टूल निकलता है, जो लेट्रिन निकलते हैं हिंदी फॉर्म में कहे तो वहाँ प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो वेन जो होता है सूज जाता है, तो काफ़ी पेन होता है। प्रेशर की वजह से यहाँ कट भी सकता है, या मस से जो होते या जो वेन होते हैं वो बाहर की तरफ निकल भी सकता है, जिसे पाइल्स और हेमरेड कहते हैं। फिशर के साथ साथ पाइल्स और हेमरेड्स जो होते हैं, ठीक है, तो इसके डिटेल्स वीडियो आप जान जाएंगे, मेरे चैनल पर जाएंगे। जनरली कंस्टिपेशन की वजह से, प्रेगनेंसी में प्रेशर पड़ता है उसके वजह से भी है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ स्नीजिंग कर रहे हैं, कफ कर रहे हैं, तो वो पेन डेवलप कर सकता है। जब छींकते हैं या खांसते हैं तो यहाँ पे पेन डेवलप कर सकता है। जनरली पाइल्स में, ब्लीडिंग पाइल्स में पेन नहीं होता है, और अगर फिशर है तो बर्निंग पेन होते हैं, और फिर पाइल्स में जो होता है, जो हेमरॉइड्स मस से निकल जाते हैं, फोर्थ डिग्री में पेन होता है, यानी कि जो मस से बाहर ही रह जाते हैं, जिसमें कि पेन डेवलप कर सकता है। अदरवाइज पाइल्स में ब्लीडिंग पाइल्स हो या फिर जो है ब्लीडिंग पाइल्स में जो है पेन नहीं होते, फिशर में पेन होते हैं। डिटेल्स वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लेंगे, एनल सोर फिशर के बारे में और उसमें होम्योपैथिक सॉल्यूशन। तो चलिए जानते हैं ऐसा कॉम्बिनेशन, आरपीआई कॉम्बिनेशन, जो जनरली फिशर हो या पाइल्स हो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है। इवन मैंने अपने पेशेंट को काफ़ी इस सॉल्यूशन से देखा है बेनिफिट होते हुए। तो एक कॉम्बिनेशन जो आरपीआई कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि रेटेनिया आता है, रेटेनिया, ठीक है, मदर टिंचर, और एस्कुलस मदर टिंचर, और पाइनिया मदर टिंचर। आपको क्या करना है, तीनों को आप 30-30 ml खरीद के ले आएंगे, 30 ml, और इसको जो है एक खाली शीशी लेके आएंगे, जिसमें कि आप इक्वल क्वांटिटी इसमें मिला देंगे। लगभग ये 30 ml का फाइल है, इसमें आप 10-10 ml मिला के इसको 10 स्ट्रॉक देंगे और इसको रख लेंगे घर पे। 10-15 बूंद सुबह शाम पियेंगे आप, जो है गर्म पानी में, थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के 10-15 बूंद सुबह शाम पियेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। हालांकि ये मेडिसिन एक कॉम्बिनेशन बताई हूँ, जो कि आप पाइल्स फिशर में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका एक एक्यूट रेमेडी होता है, यानी कि आप जिस टाइप के आपको पेन होते हैं, आपके लक्षण क्या हैं, इन सॉल्यूशन के साथ आप वो जरूर मेडिसिन लेंगे। सपोज डैट आपको जो है कब्जियत है, और जो है बहुत दिनों से कंस्टिपेशन है, आप सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी टेंशन है, और एक जगह पर बैठे रहते हैं, बहुत देरों तक काम करते हैं, आपको नींद नहीं आती और कब्जियत रहते हैं, ठीक है, तो नेक्स बोमिका 30 potency रात में सोने से पहले 4 बूंद डेली लेंगे, बहुत ही इफेक्टिव है एक हफ्ते के लिए, तो आपको आराम होने लगेगा। इसी के साथ साथ अगर आपको फिशर है और बहुत ज़्यादा जलन हो रहे हैं, और ठंडे पानी से धोने से आपको आराम मिलता है, तो सल्फर 30 potency में सुपर शाम जो है 2-2 drops लेंगे, बहुत ही इफेक्टिव है। इसको जो है नेक्स बोमिका के साथ फॉलोअप करते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, जनरली ऐसे नहीं करते हैं, अगर लक्षण मिल रहे हैं तो इसको फॉलोअप कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं नेक्स बोमिका एंड सल्फर से। अब बात कर लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन के साथ मैं बोल रही हूँ कि एक एक्यूट रेमेडी आप जरूर लेंगे। अब बात कर लेते हैं एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम ऐसी मेडिसिन है जिसमें कि आपको जो पेन होते हैं वो लगता है अब दर्द इतना हो रहा है कि आउट ऑफ लिमिट है, मतलब फिशर के वजह से कि आप लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, टॉर्न टाइप के दर्द लगता है, कोई फाड़ रहा है, उस टाइप के इसमें दर्द होते हैं नाइट्रिक एसिड में। सुबह से हम 4-4 बूंद लेंगे। एलो सर्किटिनम में क्या होता है कि हेमरॉइड जो पाइल्स होते हैं गुच्छे की तरह मद से बाहर निकल जाते हैं, जिसमें कि लगेगा कि अंगूर के गुच्छे लटके हुए हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव है। लीवर डिस्टर्बेंस है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, एलो सर्किटिनम 30 potency में सुबह शाम लेंगे, बहुत ही इफेक्टिव है, और 2-2 drops मॉर्निंग एंड इवनिंग लेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है।
और भी इसमें मेडिसिन आते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूस हो रहा है तो हेमामेलिस जो है मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए। एक और मेडिसिन से मेलीफोलियम, वो भी ब्लीडिंग रोकने के लिए करते हैं। ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है जिसमें कि बहुत ही लाल टाइप का ब्लीडिंग होता है, प्रोफ्यूस ब्लीडिंग होते हैं, तो मेलीफोलियम हेमामेलिस ब्लीडिंग रोकने के लिए लिया जाता है। एक कंबिनेशन के साथ आप ये ले सकते हैं। लास्ट में बताऊँगी एफपी ऑइंटमेंट, जो कि फिशर है कट गया, अल्सर बन गया है, तो बहुत ही इफेक्टिव है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं सुबह शाम नॉर्मल वाटर से वॉश करके। जो एनल एरिया है यानी कि जो फिशर बन गए हैं, एनल सोर हो रहे हैं, फिशर हो रहे हैं पायल से, हेमरॉइड से। अब लास्ट में बात करेंगे स्किन टैग यानी कि जो मस्से बाहर लटक गए हैं तो उसको कैसे क्योर करेंगे। बाय सर्जिकल प्रोसीजर होता है, अदर देन मेडिसिन के साथ आप ठीक कर सकते हैं, जैसे कि थूजा जो है 200 पोटेंसी में सुबह सुबह एम्प्टी स्टोमक 4 ड्रॉप्स लेंगे, बहुत ही इफेक्टिव है। और ये सारे मेडिसिन जो है व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर मैं बताई हूँ। और एक कंबिनेशन जो है आरपीए कंबिनेशन बहुत ही इफेक्टिव है, इसे 10-15 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग लेंगे, उसके साथ आपका जो कंप्लेन है उसे आप ले सकते हैं। एक और मेडिसिन जो है ये कंबिनेशन के साथ ले सकते हैं, अगर आपको पेन हो रहे हैं, जलन हो रहे हैं, लेकिन उसमें गर्म पानी से धोने से आपको आराम हो रहे हैं, तो आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में सुबह सुबह 2 ड्रॉप्स लेंगे, बहुत ही इफेक्टिव। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वीडियो लंबा करना नहीं चाह रही, दैट्स वाई वीडियो को शॉर्ट बनाते हुए इतनी ही सारी चीज़ों को बता दी। वीडियो को आप केयरफुली देखें, ध्यान से देखें, एंड कोई भी मेडिकेशन आप अपने डॉक्टर से जो है कंसल्ट करके ही लें। सो इफ इट इज़ हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय एंड टेक केयर।